हे गाइस, वेलकम टू माय रेसलिंग चैनल। तो आज हम बात करेंगे गाइस सेथ रॉलिंस एंड सीएम पंक की हीट टॉकिंग से। मतलब जब शिकागो में सीएम पंक आए थे तो सेथ रॉलिंस बहुत ज़्यादा हीट जनरेट की थी एंड रॉ में भी, तो उसके बारे में मैं अपना ओपिनियन बताऊंगा। एंड गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होगा सीएम पंक जो WWE में आए थे तो उन्होंने बहुत सारी अचीवमेंट की थी। वो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बने, ECW चैंपियन बने, वर्ल्ड टाइटल चैंपियन बने, मैथाड़ी को उन्होंने हराया। इवन गाइस उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट ली थी। लेकिन 2011 में जब वो आए तो उन्होंने सीएम पंक ने जॉन सीना को हराया वर्ल्ड टाइटल के लिए, सॉरी WWE के लिए। उसके बाद जब वो पॉल हेमन गाय बने, उसके सीएम पंक पॉल हेमन गाय थे तो उन्होंने बेस्ट रेन भी दिया था। लेकिन उसके बाद उनकी जो मतलब हुई थी बहसबाजी WWE के साथ, उन्होंने ब्रॉक लेसनर के साथ मैच हुआ था, वो हार गए थे। इवन गाइज सेथ रॉलिंस का बूस्टअप होने में मतलब WWE के मेरे रोस्टर में सबसे बड़ा हाथ था सीएम पंक का, क्योंकि आपको पता होगा र्यूमर थे कि सीएम पंक चाहते थे शील्ड को बनाना एंड वो रोमन रेंज के थे कैशियस ओनो को चाहते थे। लेकिन ट्रिपल एच ने सीएम पंक की बात तो मानी, लेकिन कैशियस ओनो की जगह उन्होंने डाल दिया रोमन रेंज को। एंड गाइस रोमन रेंज आपको पता है शील्ड का डेब्यू हुआ था सर्वाइवर सीरीज में, उसके कारण जो हमारे सीएम पंक थे उन्होंने अपनी चैंपियनशिप रिटेन की थी WWE में। एंड गाइस उसके बाद ही उनका जब भी आता था तो शील्ड डेब्यू करती थी, राय बैक को फोड़ डालती थी कभी, इवन उन्होंने रॉक तक को भी तोड़ डाला था जब उनका मैच चल रहा था इवन रॉयल रंबल में। तो आपको पता ही होगा शील्ड किस लेवल तक हेल्प करती थी सीएम पंक की। तो गाइस उसके बाद इनकी थोड़ी सी मतलब कॉन्वर्जेशन हुई, गलत कॉन्वर्जेशन हुई, उसके बाद भी ठीक था। लेकिन जब आपको पता है सीएम पंक को टर्मिनेट कर दिया गया उनकी वेडिंग वाले दिन ही, एंड उसके बाद वो चले गए। एंड भाई सीएम पंक के बाद सेथ रॉलिंस बने कंपनी के न्यू फेस, वर्ल्ड टाइटल जीते, वो रसलमेनिया को मेन इवेंट किया एज ए मनी इन द बैंक कैश इन करके। एंड गाइस वो मेन एसेट बन गए, उसके बाद रोमन रे मेन एसेट बने, डीन एम्ब्रोस भी थोड़ी देर रहे लेकिन वो AEW में चले गए, क्योंकि आपको पता होगा AEW कंपनी उस वक्त ओपन हुई थी एंड बहुत सारे सुपरस्टार AEW में जा रहे थे। लेकिन जॉन मॉक्सली इसलिए AEW में गए थे क्योंकि उन्हें बेस्ट बुकिंग नहीं मिल रही थी WWE के द्वारा। एंड गाइस उसके बाद जब फॉक्स पे गई WWE, देन फॉक्स के शो पे उन्होंने हायर किया फोक्स वालों ने सीएम पंक को, एंड उस वक्त इनकी कॉन्वर्जेशन हुई एंड सेथ रॉलिंस ने कहा कि फाइट विद मी, जैसा फाइट करो ट्विटर पे बोला। एंड गाइस उसका रिप्लाई सीएम पंक ने कहा कि मैं फाइट नहीं करना चाहता, मैं आना नहीं चाहता रेसलिंग में, तो उन्होंने बहुत सी बातें की थी ऐसे वर्कर। तो उसके बाद हीट जनरेटेड हुई। आपको पता होगा रो के एक एपिसोड में सेथ रॉलिंस ने ये तक कह दिया था मैंने तो कहा उसे ओपनली चैलेंज करके, लेकिन वो नहीं आया, तो इसमें उसकी गलती है। तो गाइस इनकी हीट जनरेट हुई रियल लाइफ में ऐसे करके, इनका मतलब एब्यूसिव बिहेवियर लैंग्वेज यूज हुई। तो गाइज इनका ये कॉन्फ्लिक्ट था जहाँ पर सीएम पंक तब तो कह रहे थे मैं WWE में नहीं आना चाहता, मैं आना ही नहीं चाहता, तो UFC में सीएम पंक हार गए थे। लेकिन उसके बाद वो AEW में गए, AEW में सीएम पंक ठीक थे, ठीक चले, लेकिन भाई से उनका पता ही था आपको कि बैक स्टेज उनकी रियल फाइट हो गई थी, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट हुए उनके साथ, पहले उन्हें निकाला गया, उसके बाद फिर से उनकी जब फिर से आए फिर से उनकी कॉन्फ्लिक्ट फाइट होगी जिसके कारण उन्हें टर्मिनेट कर दिया गया परमानेंटली AEW से, एंड उनका कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हो गया कि AEW के खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते। एंड उसके बाद गाइस बहुत सारे र्यूमर आए, सेथ रॉलिंस ने कहा ये वो सीएम पंक आ रहे हैं, सॉरी सेथ रॉलिंस ने र्यूमर्स दिए, हिंट दिए WWE ने बहुत सारे हिंट दिए। एंड गाइस आपको पता होगा एट दी एंड क्या हुआ, सीएम पंक ने खुद हिंट दिए सीएम पंक आने वाले थे, आपको पता है कितने र्यूमर्स आ रहे थे, कितने हिंट आ रहे थे रेसलिंग व्लॉग्स की तरफ से, मतलब कितने सारे र्यूमर थे। एंड गाइस शिकागो में जब सीएम पंक की वापसी हुई तो सब शॉक रह गए। एंड गाइस सबसे ज़्यादा गुस्सा कौन था, सेथ फ्रीक्वेंस रॉलिंग, इवन उन्होंने तो फिंगर्स भी दिखा दी थी। एंड गाइस वहीं से इनका कॉन्फिडेंस स्टार्ट हुआ। एंड गाइस आपको पता होगा सेथ रॉलिंस ने कहा था रेसलमेनिया में मैच करना चाहता हूँ सीएम पंक के साथ, क्योंकि सेथ रॉलिंस ने भी मेन इवेंट नहीं किया है तक रेसलमेनिया को, आपको पता ही होगा, एंड हमारे सीएम पंक ने भी नहीं किया। तो गाइस यहाँ से कॉन्फ्लिक्ट निकल रहा है कि अब तो सीएम पंक आ गए, तो गाइस इतनी हीट जनरेटेड है ना WWE इस ब्रॉल को एक नेक्स्ट लेवल लेके जाना चाहती है। नेक्स्ट लेवल कैसे लेके जाएगी, इस ब्रॉल में WWE डालना चाहती है एक बेस्ट कॉन्फ्लिक्ट, लाइक रियल लाइफ कॉन्फ्लिक्ट जैसे जॉन सीना एंड सीएम पंक का था, ब्रॉक लेसनर का था। भाई साहब रियल लाइफ कॉन्फ्लिक्ट अगर डल गया ना तो भाई साहब ये फाइट ब्रॉल किस लेवल तक जाएगी आप सोच नहीं सकते। रेसलमेनिया में अब तो आपको पता है तय मेन इवेंट होना। एंड गाइस रॉ में आगे सेथ रॉलिंस ने क्या कहा था दिस मतलब सीएम पंक के बारे में उनके फैंस को कि बोलो बोलो और कितना बोल सकते हो, ये बोल सकते वो बोल सकते हो। तो गाइस यहाँ से ये है कि ये हीट जनरेटेड होगी, अब
जो बेस्ट मैच होने वाला है ना डब्ल्यू में वो होने वाला है। एंड गाइस रियल लाइफ में ये हेट करती हूँ ना करती हूँ वो कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर बिजनेस जो है वो ट्रिपल एस संभालते हैं। एंड गाइस इस फ्यूड में जो मजा होने वाला है ना वो कतई नेक्स्ट लेवल को होने वाला है। तो गाइस वेट ही करो कि क्या क्या होता है, कल रॉ होने वाली है। तो गाइस ये मेरा ओपिनियन था, अगर वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना।